आप देख रहे हैं एसआरटीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। आज गुरु नानक जयंती के पावन पर्व पर आप देशवासियों को किस तरह की शुभकामनाएं देंगे, आज प्रकाश पर्व भी उस बारे में आपकी क्या भावना है हमारे दर्शकों को आप बताइए। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। आज का दिन हमारे गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, इसलिए सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन मतलब हम सब मिलजुल कर आपस में भाईचारे के साथ मनाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाया भी गया है दोपहर में आज, और लंगर वगैरह का हुआ, अभी शाम को भी प्रोग्राम है। आज का पावन पर्व पर देखा गया कि जो सिख बांधव है कि भाईचारे की मिसाल बन गए, आपस में प्यार और सद्भाव की भावना है, तो ऐसे में आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उनको आपको क्या ये लेना है, क्या संदेश देना है? हाँ, सब मिलजुल के ही मनाते हैं, ये सब त्यौहार है, सब मिलजुल के भाईचारे के साथ मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब जबकि कोरोना के बाद धर्मस्थल खुल गए हैं, काफी लोग मंदिर मस्जिद में जाके पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने गुरु को वाहेगुरु को भी याद कर रहे हैं जी, तो अब लोगों में एक उमंग और एक उत्साह है। ये 2 साल बाद शुरू हुआ तो बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है ये त्योहार। कोरोना काल में काफी त्रासदी फैली थी, बहुत त्रास, तो आपने किस तरह की सामाजिक सेवा किया उस वक्त? वही भगवान से हाथ जोड़ के हमने कहा करोना जितनी जल्दी हो आप यहाँ से निकल जाए, भगवान ने हमारी माना भी और करोना भी लगभग खत्म होने की कगार पे है, अभी सभी में खुशी की भावना है। अब जबकि अनलॉक हो गया है, लोगों को व्यवसाय भी सही चल रहा है, अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, तो आपका जो व्यवसाय है, आपके व्यवसाय में किस तरह की समस्या आ रही है, किस तरह की खुशहाली हो रही है? समस्या थी, अभी अभी समस्या नहीं है, अभी तो ठीक ठीक चल रहा है, आगे और जाके बढ़ेगा अभी। तो मतलब ये जो आप लोगों को जो लॉसेस हुए थे 2 साल में जो कोरोना काल में, तो इसको रिकवर करने के लिए किस तरह के आपका आगे का प्लान रहेगा? बस मेहनत करो और काम करो, बस यही है। आज गुरु जयंती का प्रकाश पर्व काफी लोग सोहल्लास से धार्मिक भावना से मना रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को और हमारे सिख बांधवों को, भाइयों को, अनुयायियों को क्या आह्वान करोगे? सज्जन, ये त्योहार अपना मिलजुल कर मनाओ और काम करो बस।